हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल। तो स्वागत है भाई आज की इस न्यू वीडियो में। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं अपनी बाइक कावासाकी निंजा 300 की चैन सेट चेंज करने वाला हूं। तो अभी 40,000 किलोमीटर इसके पूरे होने वाले हैं। 20,000 किलोमीटर के पहले इसका चैन सेट चेंज हो चुका था, तो इस टाइम 40,000 होने वाले हैं। तो 200-400 किलोमीटर रह गया, तो 40,000 किलोमीटर इसके पूरे हो जाएंगे। तो सेकंड टाइम मैं इसका चैन सेट चेंज कर रहा हूँ। तो सेकंड टाइम में मैं खुद इसका चैन सेट चेंज कर रहा हूँ भाई अपने हाथों से। तो चैन सेट मैंने मंगवा लिया है कावासाकी वालों से सर्विस सेंटर। तो दोस्तों ये है चैन सेट, ये कावासाकी वालों से ही मंगवाया मैंने सर्विस सेंटर से। तो इसमें है भाई, ये देखिए, ये है इसकी चैन। तो इसका पार्ट नंबर क्या है, चलो, तो ये है फ्रंट स्प्रोकेट, ये है रियर स्प्रोकेट। तो ये है भाई इसका बिल। तो एक बार मैं आपको बिल चेक करवा देता हूँ, मुझे टोटल कितने का पड़ा है चैन सेट पूरा। तो ये मुझे पड़ा है भाई 4940 रुपये का पूरा चैन सेट। तो चलिए इसको फिट करते हैं यार, और इसको रख देते हैं साइड में। तो सबसे पहले मैं मिलाता हूँ अपने दोस्त हरप्रीत से। तो भाई मेरी हेल्प करने आया है ये चैन सेट चेंज करने के लिए, क्योंकि मेरे अकेले के बस में नहीं था। तो ये भाई, तो ये है, हमने जैक लगाया हुआ इसके नीचे, देखो। हम सोच रहे हैं इसका क्या जुगाड़ किया जाए, क्योंकि इसका पहले व्हील खुलेगा, फिर ये स्विंग आर्म खुलेगी। तो ये इसका स्विंग आर्म का बोल्ट, जिसके मदद से हम इस सारी को खोलेंगे बाहर की साइड को, और इसका जो सस्पेंशन है वो भी खुलेगा। तो देखिए हमने इसको खोलना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले उन्होंने इसका एग्जॉस्ट उतार दिया है, क्योंकि ये दिक्कत कर रहा था भाई, थोड़ी काम करने की जगह मिल जाएगी। इसमें सबसे मुश्किल काम यही है, इसका जो फ्रंट वाली गरारी है ना, इसको खोलना बहुत मुश्किल है बहुत मेहनत लगी हमारी। तो ये खुल गया। अभी इसका हम ये चैसी वाला बोल्ट है ना, ये खोलेंगे। चैसी वाला बोल्ट खोलने के बाद इसका स्विंग आर्म बाहर निकालेंगे। हमने इसको हैंग कर दिया जुगाड़ लगा के, ये जैक लगा दिया गाड़ी वाला, इस साइड में ईंटें रख दी हैं, ये देखो दोनों तरफ। अभी अपना टायर फ्री है। तो भाई अब इसका ये सस्पेंशन जो है ये खुलेगा। तो ये है इसके बोल्ट, ये देखो। तो ये हमने लूज कर दिए पहले, ये निकलेगा, और फ्रंट ब्रेक लगा के खड़ी कर दी है हमने बाइक सीधी। चलो तो बाकी का प्रोसेस है जो वो करते हैं कम्प्लीट। लो भाई, पहले हम इसकी जो रियर स्प्रोकेट है वो चेंज करेंगे, और फिर ये फिट करने के बाद फिर उधर। लो जी, अनबॉक्सिंग रियर स्प्रोकेट। वाओ, तो ये 42 टीथ है भाई, देखो ये लिखा हुआ है इसके ऊपर। जब तक अपना ये टाइट होता है स्प्रोकेट, हम ये फ्रंट वाली स्प्रोकेट निकालते हैं। इसको चेंज कर देते हैं पहले। तो इसकी फ्रंट जो स्प्रोकेट है वो बाद में डालेंगे भाई, ये सारा मैं क्लीन करूँगा पहले पेट्रोल से। और सबसे पहले इसकी जो चेन है ना पुराने वाली, इसकी पुरानी चेन है, ये चेंज कर देते हैं। तब तक अपना व्हील रेडी हो चुका है।
बस अभी फ्रंट वाली स्प्रोकेट नहीं डालेंगे, तो उससे पहले मैं सोच रहा हूँ ये सारा जो कचरा है ना, इसको सारे को पेट्रोल या डीजल से धो के पूरा क्लीन कर देते हैं। इतने जो हिस्सा है चैन ल्यूब के कारण, देखो कितनी ज़्यादा मिट्टी यहाँ पे जमी हुई है। तो फिलहाल जो इसका एक्सल और जिस सस्पेंशन है वो सारा कुछ मैंने अच्छी तरह से टाइट कर दिया है, बस इसके जो गार्ड गुड़ वगैरह ये लूज है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको पहले अच्छी तरह से धो दूँ, क्लीन कर दूँ अच्छी तरह से बाइक, क्योंकि पूरी गंदी हो रखी है ये देखो। तो दोस्तों अभी मैंने अपनी बाइक वॉश कर दी अच्छी तरह से, जो चैन का ल्यूब जमा हुआ था ना वो डीजल से पूरा रगड़ रगड़ के वही क्लीन करना पड़ा, लेकिन अब पूरी एकदम नई जैसी हो गई अपनी बाइक। यहाँ पे जो जितना भी कचरा मिट्टी था सारा क्लीन हो चुका, देखो जहाँ पे इतना मतलब कि मुश्किल से छूटा यार ये चैन ल्यूब ना, जो जहाँ पे बैठ जाता है जम जाता है, फिर वहाँ पे मिट्टी जम गई, मतलब बहुत ज़्यादा इतनी मोटी मोटी परत जमी हुई थी यहाँ पे सारी। तो फिलहाल अपनी बाइक है जो पूरी नई जैसी हो चुकी है, मैं इसका जो बाकी का काम है वो भी अभी फिनिश करता हूँ, क्योंकि सारा कुछ अभी टाइट करने को बाकी है भाई। इसकी फ्रंट वाली जो स्प्रोकेट है वो भी अभी नई डालनी है। तो ये है भाई इसकी फ्रंट वाली स्प्रोकेट, चलिए इसको भी अनबॉक्स करते हैं। लो जी, तो ये देखिए ये लिखा हुआ है 14 टीथ है इसमें, चलिए इसको भी फिट कर देते हैं भाई। भाई आज ये वीडियो का नेक्स्ट डे है, क्योंकि कल रात मैंने इसकी वॉशिंग वगैरह करके इसको रख दिया था, क्योंकि कल अंधेरा हो गया था। तो अगला काम इसका थोड़ा बहुत जो रह गया वो आज कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए इसका जो मेनली काम था ये इसका वॉशिंग का था, तो ये मैंने कल वॉश कर दिया था अच्छी तरह से। ये स्प्रोकेट भी मैंने टाइट कर दी है, बस इसका अभी जो रियर व्हील है थोड़ा बहुत टाइट करने को रहता है, सिर्फ आधे घंटे का काम मेरा रह चुका है। और ये देखो ये भी मैंने क्लीन कर दिए थे कल अच्छी तरह से डीजल के साथ, क्योंकि चैन ल्यूब की वजह से काले हो रहे थे बिल्कुल ये। और ये देखो ये भी बिल्कुल नए जैसा हो गया, बस अभी ये फिट करना सारा सामान मुझे, तो बस फटाफट मैं इसको फाइनल टाइट कर देता हूँ, सारा एडजस्टमेंट जो इसकी चैन की है वो करके फाइनल हो जाएगा अपनी बाइक। ये देखिए ये इसकी पुराने वाली जो स्प्रोकेट है फ्रंट वाली, मैंने ये कल रात को उल्टी डाल दी थी। ये जो इसका स्टेप बना हुआ ना ये देखो, ये जो स्टेप है और इधर से ये प्लेन है देखो, ठीक है, ये प्लेन वाला हिस्सा बाहर साइड रहेगा, मतलब कि ये ऐसे डलेगी, और कल मैंने ये ऐसे डाल दी थी, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे डालेंगे इसका पीछे से गैप बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो ये स्टेप इसलिए दे रखा है, जितना इनको एडजस्ट करना अपने आप ये इसकी अलाइनमेंट सही रहेगी। बस ये ध्यान रखना ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला ये अंदर की साइड रखना और प्लेन वाला बाहर की साइड रखना, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली अपनी बाइक का जो चैन का प्रोसेस है सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, थोड़ी सी टर टर की आवाज़ आ रही है देखो, ये पता नहीं क्यों आ रही है, कुछ टच भी नहीं हो रहा वैसे, हो सकता है नई चैन है, थोड़ा चलने के बाद सेट हो जाए, पर ये भी नहीं पता कि ना हो, लेकिन चलो कोई ना यूज़ करते हैं इसको फिर देखते हैं। तो ये है सुपर सेरामिक चैन ल्यूब, तो आज मैं फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहा हूँ अपनी नई चैन के ऊपर। तो चलिए दोस्तों इसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इसको अभी हम अप्लाई करेंगे अपनी बाइक की चैन के ऊपर, तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकलेगा इसके।
किसी ने तो वाइट कर दी यार पूरी चैन, तो चैन ल्यू भी हो गई है भाई। अपनी बाइक का जो सारा काम है वो फिनिश हो चुका है, और ये देखिए अभी भी चैन वाइट है, तो देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस जो है कैसी रहेगी। तो चलिए इसको अभी कोल्ड स्टार्ट कर देते हैं। अभी एग्जॉस्ट लगाना बाकी है, विदाउट एग्जॉस्ट है भाई, मैं भूल गया था। अभी इसको बंद कर देते हैं, पहले मैं इसका एग्जॉस्ट फिट कर देता हूँ। तो दोस्तों अपनी बाइक का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना बढ़िया सा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। क्योंकि जो भी बाइक का छोटा मोटा काम है जो मैं कर सकता हूँ मैं खुद करता हूँ भाई, मज़ा आता है, दिल को तसल्ली मिलती है अपने काम, अपने हाथों से काम करने पर। मैंने जितनी भी अभी तक इसमें मॉडिफिकेशन की है बाइक की, सारी मैंने खुद की हैं। अगर वो आप वीडियोस देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस के लिंक दे दूंगा, और जाके आप मेरी बाइक मॉडिफिकेशन की वीडियोस प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, उसमें सारी वीडियोस हैं। दोस्तों कैसी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, और मिलते हैं किसी ऐसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।